ये देखिए, ये इतना सॉफ्ट है कि आप देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बढ़िया बना है। बनाना बिल्कुल इजी है, टेस्टी है और चटपटा है। तो चलिए बनाते हैं आज की ट्रेडिशनल रेसिपी। ये उड़द की दाल है जो लगभग 150 ग्राम है और इसे मैंने रात में भिगो दिया था और अभी मैं इसे पीस लूँगी। दही बड़े की जो दाल होती है ना पिसी हुई, उसे फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम इसे फेंटेंगे नहीं ना, और यूं ही अगर बना देंगे ना, तो ये बहुत ही हार्ड बनेगा, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। और फेंटने का यही कारण है कि जब हम इसको फेंट देते हैं ना, तो ये काफ़ी फ्लफी हो जाता है, ये ना फैल भी जाता है। अभी आप देखिए कि कितना थोड़ा सा लग रहा था और अभी ये कितना ज़्यादा हो गया है। और ये हो चुका है, मैंने 3-4 मिनट तक इसे फेंटा है, एक ही डायरेक्शन में मैंने फेंट दिया है। और स्टूल से करती हूँ ना, तो फिर बहुत आराम से हो जाता है, हाथ भी गंदे नहीं होते। और यहाँ पे पानी में मैं चेक कर ले रही हूँ कि ये हुआ कि नहीं। तो ये फेंटा मतलब फेंटना हो चुका है हमारा, और ये पानी में तैरने लगेगा। जैसे ही ये फेंटा हो जाएगा ना, तो बड़े को जब हम पानी में डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो उसी से पता चल जाता है कि ये फेंटा जा चुका है। इधर कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, मैं सरसों तेल में ही छानूंगी। और ये मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखा है, और थोड़ा सा पानी से हाथ को गीला कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि जब हम बड़े को डालेंगे ना, तो वो आराम से हाथ से निकल जाएगा, नहीं तो ना वो हाथ में लटका रह जाएगा। तो थोड़े छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो फॉलो करना बहुत ही मतलब फॉलो करने से ना काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से सारे बड़ों को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे, और फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा, हाई फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो ये अंदर कच्चा रह जाएगा। तो ये अभी एक तरफ हो चुका है, काफ़ी सुनहरा मैंने कर लिया है, क्योंकि जब ये दही में जाएगा ना, तो वाइट वाइट सा हमारे यहाँ पसंद नहीं करते उतना। तो ये थोड़ा सा वो सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, एक तरफ हो चुका है, दूसरी तरफ हमने पलट दिया है, और बहुत आराम से बन जाता है, बहुत इजी है बनाना। और होली में तो हर किसी के घर में ये बनता ही है, क्योंकि मीठा खाते खाते ना ये चटपटा खाने में मतलब बड़ा आनंद आता है। और बड़ों को मैंने तल लिया है, और इसे ना अब हम प्लेन वाटर जो है ना, मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल वाटर जो होता है ना, उसी में हम इसे 2 मिनट के लिए डाल देंगे, गरम गरम ही डालेंगे। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप जो समझें, जो मैं फॉलो करती हूँ और हमेशा से करती आई हूँ। मम्मी को देखा था ऐसे ही करते हुए, और वो बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते थे, और इवन मैं भी कई सालों से बना रही हूँ। और इस तरह से जो बचे हुए हैं ना, जो तल लेंगे, और इधर जो पानी में डाला है, तब तक वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, और उसे गरम गरम ही पानी में ही डालेंगे। तो इधर जब तक मैं इसे निकाल लूँगी, और थोड़ा सा हल्का सा हाथों से इस तरह से ना हल्का सा प्रेस करेंगे, और ये देखिए बड़े ना काफ़ी फ्लफी हो गए हैं, एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये अब दही में जाएगा ना, तो ना टूटेगा नहीं, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और इस तरह से दही जो है ना, मैंने फेंट लिया था, पहले ही फेंट लिया था दही को, तो फेंटी हुई दही में मैं इसे डाल रही हूँ, दही में मैंने पानी नहीं डाला है। और अगर आप स्टोर करके रखना चाहें ना, तो आप बड़ों को बना करके और सूखा ही रख लीजिएगा, पानी में नहीं डालिएगा और ना ही दही में डालिएगा। इससे होगा क्या ना कि आप इसे जब खाना होगा ना, तब आप मतलब 4-5 दिनों तक भी आराम से खा सकते हैं। ऐसे फ्रिज में ये चल जाएगा, दही में भी चल जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक रखना चाहेंगे ना, तो वो आराम से रह जाएगा। तो चलिए अब इसे खाने के लिए रेडी करते हैं। अभी
प्लेट में निकाल करके अब जब भी सर्व करना होगा ना तो उसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च सूखी, जो आप चाहें तो पाउडर को भी थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल करके ना थोड़ा सा वो भून लेंगे, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि वो सूखी हुई लाल मिर्च जो रहती है ना साबुत वाली, तो उसे ही भून करके और फिर उसे कूट लेती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जीरा पाउडर मैंने डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर, और साथ में डाला है काला नमक, और इस तरह से इसे गार्निश कर लीजिए। आप चाहें ना तो वो नमकीन वाली जो सेवैयाँ आती है ना, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर, तो टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। और ये लीजिए, है ना कितना सॉफ्ट, देखने से ही लग रहा है कि कितना सॉफ्ट बना है ये। और जैसे ही मैंने मतलब स्पून को डाला है तो ये तुरंत नीचे चला गया, उसका मतलब है कि ये कितना सॉफ्ट बन चुका है। और बस इतना ही सा काम था इसका, बहुत इजी है बनाना, कोई झमेला नहीं है, बिल्कुल आसान वाली रेसिपी है। अगर आपको भी मेरी तरह दही बड़े पसंद हैं और होली का त्यौहार है तो मीठा खाते खाते तो पुआ खाते खाते मतलब हर जगह पे जाएंगे ना, जहाँ पे भी तो वहाँ पुआ ज़रूर मिलेगा, तो उसके साथ साथ ये नमकीन और चटपटा सा हेल्दी वाला डिश मिले तो क्या कहने। तो इस दही बड़ा पे एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।